शिवपुरी जिले में अवैध उत्खनन और रेत माफिया प्रशासन पर हावी नजर आ रहा है। रेत माफिया के खिलाफ तहसील से लेकर एसडीएम कार्यालय और थाने से लेकर एसडीओपी तक कार्रवाई करने से बचते नजर आ रहे हैं। मामला जिले के कोलारस स्थित सिंध नदी का है, जहां बारिश से पहले हजारों ट्रॉली रेत डंप की गई। अब बारिश आते ही 2 से 4 गुना दाम पर रेत बेची जा रही है, जिसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। बता दें कि सिंध नदी से लगे दर्जनों गांवों में बिना अनुमति अवैध तरीके से डंप की गई रेत माफिया के लिए कमाई का जरिया बन गई है, जिसका खामियाजा क्षेत्र के लोग भुगत रहे हैं। शासन को भी लाखों राजस्व की हानि हो रही है। लुकवासा, लिलबारा, पचावली, हरिपुर, भड़ौता, खासकर रिजोदा और पिपरोदा में रेत माफिया का गढ़ बना हुआ है, जिसके खिलाफ कार्रवाई न होने से सवाल उठता है कि कहीं इन रेत माफिया को जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का संरक्षण तो नहीं मिला है। कोलारस से शाकिर खान की रिपोर्ट। हमारे यहाँ से कोई परमिशन जारी नहीं की गई है। डंप के संबंध में जिला खनिज अधिकारी के यहाँ से परमिशन कलेक्टर महोदय के माध्यम से जारी होता है और उसकी सूची हम लोगों को प्रदाय कर दी जाती है, जिसके कारण अगर कहीं कोई शिकायत आती है तो सूची के अनुसार उसका परीक्षण करके अगर वो सूची में वो नहीं है तो उन पर कार्रवाई की जाती है। तो सर, आपके यहाँ कोई सूची ऐसी कोई जारी हुई है सर कोलारस क्षेत्र की? नहीं, कोलारस क्षेत्र के लिए तो जिला से ही जारी होती है, जिला से ही वो भेजते हैं। अगर हम लोगों को कहीं शिकायत आती है तो हम लोग उनसे जानकारी ले लेते हैं कि क्या ये डंपिंग की आपके यहाँ से आदेश जारी हुआ है। अगर उनका आता है कि नहीं जारी हुआ तो हम कार्रवाई करते हैं। वहीं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शाकिर खान जुड़े हुए हैं। शाकिर, लगातार जो रेत का अवैध खनन की बात यहां पर सामने आ रही है और इस तरीके के कई मुद्दे हमेशा उठते रहे हैं, वहीं फिलहाल क्या पूरा मामला सामने आ रहा है, विस्तार से बताएं। जी जी प्राची, मैं आपको बता दूं, ये सारा मामला कोलारस रेत से जुड़ा हुआ है जी। यहां पर किसी भी प्रकार की लीक स्वीकृति नहीं है। इसके बाद भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में हजारों ट्राली सिंध की काली रेत का डंप किया गया है जी। जी शाकिर, वहीं यहाँ पर प्रशासन का क्या कहना है, किस तरीके से यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है या जो भी काम यहाँ पर होते हैं अवैध तरीके से, इन कामों को लेकर क्या जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन, उसका क्या रवैया यहाँ पर देखा जा रहा है? जी मैम, कहीं ना कहीं इस संबंध में मेरी कोलारस एसडीएम से चर्चा हुई थी। उनका कहना था कि हमारे यहाँ से इस तरह की कोई परमिशन यहाँ पर नहीं दी गई है और आपके द्वारा अगर बताया गया है तो हम इसको दिखवा करके कार्रवाई करेंगे जी। वहीं यहाँ पर साथ में ये भी बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो रेत माफिया है, वहीं अधिकारियों द्वारा यहाँ कहीं ना कहीं मिली भगत की बात भी कई बार सामने आती है, तो इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी प्राची, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं खुलेआम अवैध उत्खनन किया जा रहा है, तो जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का मिलीभगत साबित होती है इसकी। जी शाकिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं हम आपको बता दें, कोलारस में यहाँ पर सिंध नदी में कि यहाँ से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है, अवैध रूप से ये तमाम जो काम है वो यहाँ पर हो रहे हैं। वहीं जो प्रशासन है उसकी उदासीनता भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखी जा रही है। इसके साथ ही ये भी आरोप लगते हैं कि रेत माफिया और जनप्रतिनिधि के साथ ही जो अधिकारी है वो भी यहाँ कहीं ना कहीं ये जो काम हो रहा है इसमें लिप्त नजर आते हैं, जो जनप्रतिनिधि है। वहीं जनप्रतिनिधि और अधिकारी जो है उनकी साठगांठ का आरोप भी यहाँ कहीं ना कहीं कई बार लगता हुआ नजर आता है। वहीं यही एक मुख्य कारण हो सकता है कि जो अधिकारी है या जो प्रशासन है वहां पर, उनकी उदासीनता यहाँ तमाम अवैध कार्य को लेकर देखी जा रही है, क्योंकि किसी भी तरीके की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर नहीं हो रही है। आपको बता दें, शिवपुरी का ये मामला है और शिवपुरी में यहां पर सिंध नदी का मामला अभी यहां पर उठा है, जहां पर जो रेत है वो अवैध खनन करके रख ली गई है बारिश के पहले, और अब रेत गीली होने के बाद में, बारिश के बाद में ये जो रेत है वो ज्यादा दाम में बेची जा रही है, जिसके कारण। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए अर्जुन इकलौतिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से नेता है वो। आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी अर्जुन जी, यहाँ पर शिवपुरी में कोलारस में ये मामला सामने आया है, जहाँ पर सिंध नदी से
अवैध रूप से जो रेत है उसके उत्खनन का मामला ये जो सामने आया है, वहीं यहां पर देखा जा रहा है कि इस मामले में जो प्रशासन है उसकी उदासीनता भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है, तो आप क्या कहेंगे इस मामले में? मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां के राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक संरक्षण की वजह से पूरी रेत का उत्खनन हुआ है, पूरी चंद्र नदी का दोहन हुआ। पिछले साल से लेके अभी तक, बरसात चालू होने के 8-10 दिन पहले तक, ये हालात थे कि पूरी रेत को छल्ली कर दिया इन लोगों ने, भू रेत के माफियाओं ने, और राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त है। जी अर्जुन जी, वहीं यहाँ पर ये भी बात सामने आती है कि जो जनप्रतिनिधि है उनकी भी यहाँ पर अधिकारियों के साथ मिलीभगत की कई आरोप यहाँ पर लगते हैं, और इस तरीके से हो सकता है कि यही कारण, एक प्रमुख कारण है कि जो रेत माफिया है वो यहाँ पर फल फूल रहा है, इसे देखकर क्या कहेंगे आप? मैं आपको पहले भी ये वाली बात बोला, दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है यहाँ के भू माफियाओं को। विधायक जी यहाँ के खुद शामिल हैं, विधायक जी को खुद इस बात की जानकारी है कि इनके द्वारा कौन कौन लोग शामिल हैं जिन्होंने रेत को अवैध खनन किया। गांव के गांव में हजारों टन, हजारों डंपरों से लेके रेत इकट्ठी पड़ी हुई है यहाँ पे। पूर्व विधायक थे यहाँ पे, उनके जो दामाद थे, उनके जो लोग थे, उन्होंने बाकायदे यहाँ फर्जी तरीके से रसीदे काट के निकाली। जी अर्जुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं हम आपको बता दें कि कोलारस की हम बात कर रहे हैं, जहां पर सिंध नदी में खनन, अवैध खनन का ये मामला सामने आया है, ये खबर सामने आई है, जहां पर जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच यहां साठगांठ का भी आरोप यहां पर लग रहे हैं, और यही मुख्य कारण बताया जा रहा है कि जो खनन माफिया है वो लगातार यहां पर फल फूल रहा है। वहीं सिंध नदी से अवैध रूप से जो रेत है उसका खनन किया जा रहा है, बारिश के पहले खनन कर लिया गया, और वहीं अब बारिश के बाद में ये रेत जो है वो ज्यादा दामों पर बेची जा रही है, जिसके कारण जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी यहां परेशानियां हो रही हैं। वहीं हम आपको बता दें, इस खबर को लेकर जब हमने एसडीएम से यहां पर बात करनी चाहिए, स्थानीय एसडीएम जो है उनसे बात करनी चाहिए, तो उन्होंने सीधे तौर पर यहां पर इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है। अब देखना होगा किस तरीके से जो अधिकारियों की यहां मिलीभगत है, जनप्रतिनिधियों पर भी आरोप लग रहे हैं तमाम, अब देखना होगा किस तरीके से जो आगे शिकायतें होने के बावजूद कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, वहीं आगे देखना होगा किस तरीके से इसमें प्रशासन आगे कार्रवाई करता है। वहीं आपको बता दें, कोलारस का ये मामला है जहां पर सिंध नदी है, लगातार अवैध उत्खनन के मामले यहां पर सामने आते हैं रेत खनन के। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए संजय मिश्रा कोलारस टीआई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी जी, यहां पर कोलारस से सिंध नदी जो है वहां से अवैध खनन की बात यहां पर सामने आ रही है, ये खबर सामने आई है। वहीं यहां पर देखा जा रहा है कि जो अवैध माफिया है वो यहां पर फल फूल रहा है, रेत माफिया जो है, वहीं एक इसके साथ ही जनप्रतिनिधि है और जो प्रशासन है उनकी मिलीभगत का भी यहां पर मामला सामने आ रहा है, तो किस तरीके से जो अवैध माफिया है उन पर यहां किस तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये देखिए, अभी से लगभग 3-4 महीने पहले हमारे यहाँ हमने लगभग 4-5 ट्रैक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई की थी और उसमें उनको रास्ता भी किया गया है, और अभी वर्तमान में तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि उसके बाद से लगभग नियंत्रण में है और कहीं कोई ऐसी वो जानकारी नहीं है कि अवैध रूप से उत्खनन हो रहा हो। जी संजय जी, यहाँ पर सिंध नदी से अवैध रूप से जो रेत है उसे उसका खनन यहाँ पर कर लिया गया है, वहीं अब देखा जा रहा है कि इस खनन के बाद में जब बारिश के पहले खनन किया गया और बारिश के बाद ज्यादा दाम में ये जो रेत है वो बेची जाएगी, जिसके कारण जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी यहाँ नुकसान देखने को मिल रहा है, तो इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों इन पर कार्रवाई इस तरीके से नहीं होती कि माफिया का यहाँ पर खात्मा क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, यहाँ पर जो रेत आ रहा है वो रेत जो करेरा क्षेत्र में वैध खदाने हैं वहां से लाकर रेत स्टॉक किया गया है। ये इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन में उपयोगी रेत है उसका तो यहाँ कहीं वो उत्पादन ही नहीं है, वो यहाँ मिलता नहीं है जी। और वो जो है वो करेरा से उसी वक्त जब वहाँ खदान चालू थी, अब तो मुझे स्थिति का अंदाज नहीं है कि वहाँ क्या स्थिति है,
पर वो रॉयल्टी से लाकर यहाँ पर कुछ लोगों ने स्टॉक किया था और वो स्टॉक करके अब उसी में से बेचते हैं। जी संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं मैं आपको बता दें जो खबर आज हम बात कर रहे हैं शिवपुरी के कोलारस से ये खबर सामने आ रही है जहां पर अवैध माफिया जो है वो लगातार फल फूल रहा है। वहीं यहां पर रेत माफिया पर किसी भी तरीके की कार्रवाई की बात सामने नहीं आती है, बावजूद इसके जो जिम्मेदार है वो लगातार कार्रवाई होने के यहां पर दावे कर रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से जो आरोपी है और ये माफिया जो है रेत माफिया किस तरीके से इस पर कार्रवाई की जाती है और आखिरकार इस पर इनका खात्मा कब तक हो पाएगा।